क्या लगे वो सफेद बोले सफेद तो ये कहाँ रहे आया है लगने के दिन में रहे आते वाड़ा होगा हेलो कहाँ कहाँ आधा घंटा थे समिति टीम ऊंची के लिए बंदोबस्त व्यवस्था करते रहिए धूप आ रहा है। इस बीच वंस फ्यूचर एकेडमी वाड़ नगर के संस्था प्रभारी सर को मैं माइक दे रहा हूँ, कुछ बताएंगे। सबसे पहले यहाँ पे उपस्थित सभी प्रतिभागियों को यहाँ आने के लिए अपने वाड़ा क्षेत्र में पार्टिसिपेट करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। और यहाँ पे मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित एसडीपी सर को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ और स्वागत करता हूँ। साथ ही चौकी प्रभारी सर को भी मैं आमंत्रित करता हूँ, धन्यवाद देता हूँ और स्वागत करता हूँ उनको भी। आप लोग एक बार जोरदार तालियों से स्वागत करें। सर मैं बताना चाहूँगा ये वाड़ापा क्षेत्र ऐसा क्या है कि तीनों बाड़ों से घिरा हुआ क्षेत्र है। बच्चे अपने से तैयारी करना चाहते हैं सर, पर यहाँ पर प्लेटफॉर्म नहीं मिल पाता। काफ़ी गरीब बच्चे होते हैं और अंबिकापुर जैसे बड़े बड़े शहरों में जाकर रायपुर वगैरह तैयारी करने में इनको थोड़ा दिक्कत होती है सर। पढ़ तो लेते हैं, कॉलेज करते हैं, 12वीं पढ़ लेते हैं, पर इनको तैयारी के लिए बहुत दिक्कत होता है। तो खासकर देखें तो जो काफ़ी गरीब क्षेत्र के जो बच्चे होते हैं वो तैयारी तो करना चाहते हैं पर अपने से तैयारी करते हैं गाँव घर में, पर किसी न किसी का आवाज से चुक जाते हैं क्योंकि उनको प्लेटफॉर्म नहीं मिलता तैयारी के लिए, जिससे उनका क्लियर नहीं हो पाता तो उनका सपना सपना रह जाता है और टूट जाता है क्योंकि इनके माता पिता के पास पैसे नहीं है जो हाई एजुकेशन के लिए जा सके। प्लेटफॉर्म बहुत सारी चीजें हैं एजुकेशन करने के लिए पर इनको बहुत सारी चीज पता नहीं होता, इसलिए बहुत सारे बच्चे हैं जो पुलिस के लिए तैयारी कर रहे हैं। इस चीज में देखते हुए सर मैंने यहाँ पे वाड़ा फार्म में एक अकेडमी चालू किया जिसमें मेरे पास अभी 55 बच्चे हैं सर जिसमें तैयारी कर रहे हैं। और मुझे अपेक्षा है सर हमारे जो बच्चे हैं यहाँ पे अभी तो इस वर्ष फर्स्ट बार स्टार्ट हुआ है सर तो बच्चे कम है, मगर मैं चाहूंगा कि 55 बच्चों में 30+ बच्चों का सिलेक्शन हो जाए सर। मैं पूरी पूरी प्रयास करूंगा कि 30+ बच्चों का सिलेक्शन हो जाए। हम तो चाहेंगे कि 50+ बच्चों का सिलेक्शन हो जाए पर मेरी मुझे अभी देख ऐसा लगता है कि 30+ बच्चों का हमारे अकेडमी से सिलेक्शन हो जाएगा सर। बाकी सर नेक्स्ट ईयर क्या है कि यदि अच्छा हम कर पाए तो हमारे क्षेत्र में जो बच्चे हैं और बाकी जो बच्चे बाहर जा रहे हैं या फिर जो सोचते हैं कि नहीं होगा मेरे से तो उनके अंदर एक भावना पैदा होगी, इसीलिए मैंने सोचा कि प्रतियोगिता कराऊं जिसमें अपने बच्चे जो है अपने आप को भाव सके समझ सके कि मैं संभाग स्तर में मेरी तैयारी कैसी है, क्या मैं अपने बलरामपुर डिस्ट्रिक्ट की जो वैकेंसी है जिसमें मेरे पोस्ट है 259 पोस्ट क्या उसके लिए मैं सक्षम हूँ, क्या मैं कितनी तैयारी कर लिया हूँ या मुझे कितनी तैयारी बची है, तो जिससे मैंने प्रतियोगिता रखा सर जो अपने आप को परख सकते हैं बच्चे खासकर इस क्षेत्र के बच्चे। बाकी सर आए के लिए आपको दो शब्द के लिए आमंत्रित करता हूँ सर एसडीएफसी सर। भारत माता की जय, भारत माता की जय, सबसे पहले तो वंस फ्यूचर एकेडमी को मेरी ओर से बहुत सारा शुभकामनाएं और बधाई है जिन्होंने अपने 55 बच्चों को लेकर के एक बड़ा मिशन लेकर के और 30+ को पुलिस विभाग में ये करने के उनके जज्बा है और हम उम्मीद करते हैं कि वो जज्बा में वो कामयाब जरूर होंगे। और साथ में आप सभी को थोड़ा रूबरू होना चाहता हूँ मैं कि ये पुलिस विभाग है, पुलिस विभाग में बहुत सारा चीज ये होता है कई प्रकार से प्रचार प्रसार होता है कि उसमें पैसे चलते हैं, उसमें ये होता है, उसमें सेटिंग होता है, फलाने साहब को बोल दो, ये तमाम प्रकार के ना एक्टिविटी चलते रहते हैं और उन लोग पर एक्टिविटी करते हैं जिन लोगों का होता रहता है, ठीक है। तो आपको कभी भी इसमें भुलावे में नहीं आना है कि कोई सिफारिश चलता है और कोई मतलब पैसे चलते हैं, इस टाइम के बाद नहीं।
पुलिस विभाग में ये होता है कि आदमी को जिस प्रकार से छन्नी देखे वो छन्नी जाए के छन्नी जिसमें आदमी वास्तव में छन्नी जैसा छनते जाता है, कहाँ कहाँ तुम सेटिंग लगाओगे, समझ रहे हो ना। सबसे पहले पुलिस विभाग में आप भर्ती लिए जाओगे तो सबसे पहले मेजरमेंट, मेजरमेंट आपका हाइट कम है तो तुम कितना भी पैसा दोगे तो आपका उसमें हो जाएगा क्या, बढ़ा देगा क्या। नंबर एक। दूसरा बात आपको जो है मतलब फिजिकल एक्सरसाइज, आप जो है 100 मीटर का दौड़ लगा रहे हो, अब वो सबसे पीछे हो 5 लाख रुपए बिल्कुल नहीं। उसी तरह पे मेजरमेंट में नहीं होगा आपका जो है जो फिजिकल जो है हैंडीकेप वगैरह आता है, नॉक नहीं आता है, उसमें भी आप गड़बड़ सड़ रहोगे तो वो भी ग्राउंड में ग्राउंड आप ले लेके परीक्षा में आप चले जाओगे बैठने की पात्रता मिलेगा। अगर आप पास हो गए तभी आपको इंटरव्यू में जाना पड़ेगा, अब इंटरव्यू में तो पास हो गए तब आपको सिलेक्शन होगा। तो मेरे कहने का मतलब है पुलिस विभाग में छन्नी के तरह छन्नी हो जाता है और वास्तव में जो योग्य होता है वैसे होता है। अब सबके सामने जो है 100 मीटर के दौड़ जो है सबसे टॉप में रहोगे, दुनिया कोई ताकत आपको रोक सकता है क्या। तो आप हमारा प्रयास ये रहना चाहिए कि हम जो है अच्छा अपने आप को रिटर्न में अपने मतलब इंटरव्यू में सभी में आप लोग दिमाग लगा लें, इधर उधर जो है जिसमें असफल हो गए हैं ना उन लोग प्रचार में बिल्कुल नहीं आना। उन लोग बोले मेरे को 2 लाख रुपए मांग रहा था, मैं दे दिया होता था आदमी पुलिस में हो गया, मेरे बाप जो है ये था। ये फालतू बात जो है आप लोग सुनना नहीं, ये प्रचार में ना बहुत सारा ये चीज चलता रहता है। लेकिन मैं बता रहा हूँ कि पुलिस विभाग में आदमी छन्नी जैसा छन जाता है, जो आदमी विश्वक जो होता है तो उसी को जो है और जगह मिलती है। नहीं तो बड़े बड़े सेठ लोग बड़े बड़े पैसे वाले सब लोग भर्ती नहीं हो जाते पुलिस विभाग में। आप देखो वो गरीब से गरीब आदमी और जो वास्तव में जो है उसको मिलता है, आप देखे हो कि नहीं। एकदम वो गाँव के आदमी जो है उसमें गरीब आदमी जिसका गुरुआ जाती है खाने पीने का ठिकाना नहीं फिर भी वो पास हो जाता है, ठीक है। इसमें किसी प्रकार से इसमें ये नहीं होता, ट्रांसपेरेंट रहता है। आप लोग हैं उस दिशा में आप लोग ध्यान दें। दूसरा बात अपन ये बात करेंगे, आपका फिजिकल तो आप लोग कर ही रहे हो, फिजिकल में आपका 5 प्रकार के इवेंट होते हैं। कौन कौन से इवेंट होते हैं, एक तो लंबी कूद, ठीक है, और ऊंची कूद और गोला फेंक, 100 मीटर दौड़ और 800 मीटर, ये महिलाओं के लिए अलग है पुरुष के लिए अलग है। तो उसके मापदंड में आप लोग प्रैक्टिस कर रहे हो तो वो जो है आपको जो है उस टाइम पे करना है, ठीक है। तो फिजिकल एक्सरसाइज मतलब इसे फिजिकल एक्टिविटी जो है आपको अभी जैसे टाइम आएगा, कई लोग इतना तैयारी करते हैं इतना तैयारी करते हैं कि फिजिकल आते समय जो थक जाते हैं, ठीक है। तो हाथ पैर को आप मजबूत रखना, साल भर पढ़ाई करते रहोगे और 3 घंटा का पेपर का समय रहता है, उस समय आपने पेपर ठीक से नहीं लिख पाए तो सब साल भर बेकार है, वैसे ना। तो फिजिकल के समय में कोई भी आपका हाथ पैर में चोट दर्द नोज नहीं होना चाहिए, ठीक है। आप जो है तो 2-4 दिन रेस्ट मतलब रोक देना और आप जो एकदम मेंटली रूप से प्रिपेयर करना फिजिकल के लिए। फिजिकल में बहुत सारे लोग तो पास होते हैं, हमारे गांव देहात में फिजिकल बहुत टॉप होता है, वो एकदम 80-90 ले जाएंगे, लेकिन रिटर्न पे क्या होता है फेल हो जाते हैं। जितना महत्वपूर्ण आपका फिजिकल है उतना महत्वपूर्ण आपका रिटर्न है, गांव देहात के बच्चे आपको ध्यान दो, ठीक है। फिजिकल तो मन माने दौड़ते कूदते हो लेकिन आपका रिटर्न अच्छा नहीं रहेगा तो फिर गड़बड़ा जाएगा। तो फिजिकल रिटर्न कब होगा तभी जो है आगे बात करें। और इंटरव्यू में बहुत सारा क्वेश्चन जो है ना आपको बहुत जो गणित का कोई फार्मूला दे देगा, देश दुनिया को बहुत जो पाकिस्तान को कैसा है, लोगों को कैसा टैकल कर देता है, कैसा टैकल करना है, ये आपको जो है टेक्निक जो है सिखाया जाता है।
ठीक है ना। अभी आप देखे होंगे गांव में व्यवस्था में पूरे एक एक गांव एक सिपाही जो है गाँव को लेकर देता है। अभी जो है पुलिस का थोड़ा सा ग्राफ गिरा है, लेकिन पहले जो है एक गांव के लिए एक पुलिस वाला पर्याप्त होता था। ना तो अब शिक्षा का प्रसार है और लोग जो है पुलिस के लिए और नेताओं का थोड़ा सा दबाव के कारण जो है उस लेवल पे लिए नहीं है, तो थोड़ा सा अपने को उस टाइप की तैयारी रखना है। ठीक है, इंटरव्यू बहुत अच्छा देगा, वो बेसिक क्वेश्चन से नाम वाम से पता करते हैं, आपका चाल ढाल गिल दौर बैठने रखने का तौर तरीका ये सब पूछते हैं और सब में आप टॉप रहोगे। वो तो मुझे आपको देखने के लिए रहता है कौन आदमी भाई ये जो 95% आया है, बस ये देखने के लिए आपका हाथ पैर से दिल दिमाग से सही हो, कोई मानसिक अपरिपक्वता या लेवल में कोई कमी तो नहीं हो, बस ये है। इसमें एक के पीछे पांच बुलाते हैं, एक के पीछे पांच रहता है जो सभी आपके जो क्वालिफिकेशन से करके पांच लोग आपके संदेश से जो है तैयार हो जाएंगे। ठीक है, पांच लोगों में एक लोग का सिलेक्शन हो सकता है। ठीक है, तो आप तो ध्यान रखो, अपने आप को थोड़ा सा ये रखो, अपडेट रखो और एक दूसरे के ये रखो और बिल्कुल आपका ऊपर सिलेक्शन हो जाए। बहुत ज़्यादा इसमें ये नहीं है, इसमें और जो चीज़ें और हैं, कई लोग जो है आपके मतलब
मतलब ये नहीं होना है, आपको जज्बा जो है रखो और मेरे ओर से ढेर सारे शुभकामनाएं बधाई है। और अगर हेलो टीम सर जो है फिर कल सब खड़ा करो। सब खड़ा कीजिए अभी से असफलता की ओर। हनुमान जी को पता नहीं था ना, वो लंका में चला जाएगा अगर पता था तो उसको जो है प्रेरित किया गया उसके पे चला गया। तो आप लोग जो मत है किसी का भी हो सकता है, आप लोग जो है ना वो मत को ऐसा छोटा मत है। लड़की ने हाथ उठाया तो इसके लिए जोरदार ताली। कॉन्फिडेंस ऐसा होना चाहिए, मैं कर सकता हूँ, ऐसा नहीं कि आगे बाजू मतलब आजू बाजू देखना है। आपको तो करना है, आपको अपना देखना है कि उस 55 में या 500 में मैं हूँ। 5 लाख की भीड़ हो तो उस 5 लाख में आप भी शामिल हो, उसमें ये मान के चलो, है ना। ऐसा नहीं सोचना है कि 35 कोई और होगा, मैं नहीं हूँ। 35 में आप ही हो सब, समझ गए। बता रहा हूँ इसी में, अब जो है हमारे जमाने में 4.5 मिनट में 4:20 में जब सावंग था, 20 अंक था, ठीक है, तो उसको दौड़ने के लिए 1500 मीटर था। इसमें 1500 मीटर नहीं, सब इंस्पेक्टर में 1500 मीटर था, 4.5 मिनट टाइम था, ठीक है। पूरा 50 लोग का लिए था, 50 लोग में कोई दौड़ा नहीं, ठीक है। मैं ही एक आदमी था, वो 500 मीटर दौड़ा और मैं 5 मिनट में दौड़ा। तो मेरे को वो 4 नंबर 8 नंबर 12 नंबर तो नहीं मिला, लेकिन मेरे को मतलब 2 नंबर मिला प्रस्तावना के, मतलब एक में प्रोत्साहन के में 2 नंबर मिला। तो कभी भी मैं, और मैं पूरा 50 का इवेंट था ना, उसमें मैं 3रा स्थान मिला, ठीक है। एक फर्स्ट है 73 नंबर, एक 68 नंबर और मेरा लगभग 60 नंबर, 3रा मिला। मैं वहीं पर डिक्लेयर किया, दुनिया का हो ना हो मेरा तो हो जाएगा। इंटरव्यू के बारे में बता रहा हूँ, ऐसा साक्षात्कार हुआ जिसका मेरे को कोई देना देना नहीं था, ठीक है। मेरा नाम है राम अवतार ध्रुव, मैं ध्रुव से ही चालू हो गए। ध्रुव क्या है, मतलब ये है ध्रुव तारा किधर उठता है, मैं बोलती है उत्तर दिशा में उठता है। और कितने बजे ऐसा, मैं लगभग 8 बजे, मेरे को कोई अंदाजा नहीं था, ठीक है। पुलिस विभाग में क्यों आना चाहते थे, तो पुलिस विभाग में बताया कि मैं सर बचपन से मेरे भाई से पुलिस वाले को देखता हूँ, तो काफ़ी ये होता है जनसेवा की भावना होता है और मैं ये करना चाहता हूँ, ऐसा ऐसा करके बताया। मैं इससे प्रेरित हुआ तो 2-3 इंस्पेक्टर को मैं वो बता दिया ये कर। तो मतलब खुलो, मतलब इसमें कोई और छोट नहीं, कहीं हमने तैयारी किया था क्या, नहीं वो तैयारी से कोई आएगा। बात कहीं से चालू होके कहीं से ख़त्म हो जाता है, लेकिन बात तो सही है गलत है उससे मतलब नहीं, कॉन्फिडेंस से आप पढ़े अधिकारी को मतलब आपको वो कर रहे हैं, बस इतने में आपका सिलेक्शन। मेरे साथ भी पीछे में बैठा था, वो जो है होशियारी मार था मेरे दोस्त में, मेरे 15 एकड़ जमीन है, तो वो फिर वो साहब ही बोल दिया, तुम इतना खेती बाड़ी आदमी यार, तुम गलती कर यहाँ पे आ गए। तो बात जो है कुछ भी मतलब हो जाता है ना, अब
ऐसा नहीं कि वहाँ जाके अब ज़्यादा होशियारी मार दी जाए, वो सिम कर बात चीत से बहुत इफेक्ट है, डिसिप्लिन वाला फोर्स है, आपके बात में व्यवहार में किसी प्रकार से कोई जो है उन लोगों को मतलब ऑकवर्ड नहीं लगना चाहिए, ठीक है। छोटे छोटे बात मैं बोला हूँ, निश्चित रूप से हम लोगों का दिमाग में आएगा और आप लोग अच्छे से तैयारी करेंगे। और इसी के साथ में और कोई किसी को पूछना है, कुछ सवाल को जानकारी चाहिए तो पूछ सकते हैं। अरे मार्केट से बात तो बोलो, पैसा चलता है सर, क्या बात है ये कुछ ऐसा कुछ बात है, चलो कोई बात नहीं तो कर जाता है, आप पूछ लो। अच्छा प्रैक्टिस के लिए तो आपको ना स्वयं से मतलब प्रैक्टिस करना पड़ेगा, या तो आप टेक्निक जो है मतलब नहीं कर पा रहे गोला का थ्रो कर सकते हैं, ऐसा फैल कर ऐसा नहीं बता रहे, उसको आपको एक टेक्निक से ऐसे आपको रखना है और नीचे आप ये करके ऐसा कुछ करना है, वो टेक्निक से ही आपको वेट का मतलब वेट मांगे वजन का कहाँ लिया है उसमें तो है मेजरमेंट में एक तो नाक नहीं होना चाहिए, नाक में सर ब्लेड नहीं होना चाहिए, दोनों जो ग्रुप में जो है नहीं जोड़ना चाहिए, नहीं जोड़ना चाहिए, ठीक है। अब आपका हाइट जो है मेरे ख्याल से महिलाओं का 152 सेंटीमीटर होना चाहिए, क्यों ना इतना है एक एक के कम से स्टार्ट है ना, क्या सुनो कौन प्रश्न क्या था, समय जो भी बचा है ना उसमें अगर सुधरवा सकते हो तो अच्छा है, सुधरवा है ना जाति सुधर जाएगा।
सर सर जब ग्राउंड में आता हूँ सर लोग को देखकर बहुत डर लगता है, ग्राउंड में उतरता हूँ दौड़ने के लिए डर दूर हो जाता है सर। चलिए ये जो है ना ये जो ह्यूमन नेचर है तुम्हारे साथ में हर किसी के साथ होता है जी सर, कुछ ये होता है ना तो क्या करता है वो पहले से उसके साथ पानी चला जाता है, ये जो ह्यूमन नेचर है कोई बीमारी नहीं है कोई प्रॉब्लम नहीं है सब किसी का रहता है। बोलो भारत माता की जय, माता की जय, माता की जय। मेरे ओर से ढेर सारी शुभकामनाएं।